सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो स्टॉक मैं अभी देने वाला हूँ वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, कंपनी के पोर्टफोलियो में भी है, हमारे और जितने सारे क्लाइंट्स हैं हमारे उनको भी हमने ये स्टॉक रेकमेंड किया है। और स्टॉक का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प। पूनावाला फिनकॉर्प का अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अभी अगर अभी का इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो मैं मानता हूँ कि ये जो स्टॉक है अभी करीबन 263-264 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 260 से लेके 230 के बीच में एक्युमुलेशन जोन रहेगा और मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके लिए 210 का रहेगा, जो मैं वीकली क्लोजिंग बेसिस पर मॉनिटर करूंगा। और मैं मानता हूं अगले एक साल में ये स्टॉक 500 के स्तर छूने की चार्ट स्ट्रक्चर में जिस तरह का दमखम है, मैं मानता हूं अगले एक साल में ये 500 रुपये तक भी हो सकता है, यानी यहाँ से डबल हो सकता है। इसलिए मैंने पूनावाला फिनकॉर्प चुना है। 260 से 230 एक्युमुलेशन जोन, 210 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस, एक साल का टारगेट 500 रुपए का। एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, अगेन मतलब गजब का परफॉर्मेंस इस कंपनी का है और फंडामेंटल्स तो अल्टीमेट है। और मैं देख रहा हूं कि ये कंपनी 1986 से कार्यरत है और इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एग्जॉस्ट की, जो ऑटोमोटिव प्लेयर्स को ये सप्लाई करती है। और ऑटोमोटिव प्लेयर्स में काफी बड़े बड़े नाम है, इवन कुबोटा जैसा नाम भी, और जो ट्रैक्टर्स वाली कंपनी है उनको काफी सप्लाई करते हैं, जितनी भी बड़े ब्रांड्स हैं। सो मैं ये देख रहा था इनको, एक और चीज, नौ तो इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। मिस्टर अजय रेलन जो प्रोमोटर है, इज एन हार्वर्ड ग्रेजुएट अगेन एंड बहुत एक रिनाउंड मतलब रिस्पेक्टेबल नेम है ऑटो इंडस्ट्री में, ऑटो इंजीनियर इंडस्ट्री में। और मैं फंडामेंटल्स को अगर देखूं तो 12-25 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 16 का रिटर्न ऑन इक्विटी, 17 के पी मल्टीपल पे सिर्फ कंपनी चल रही है, 0 डेट कंपनी, और 73% प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है, अगेन दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और दिसंबर 2020 में 31 करोड़ के पैट के सामने दिसंबर 2021 में 39 करोड़ का पैट है। पिछले 4-5 क्वार्टर से अगर दूसरे ऑटो इंजीनियरिंग कंपनीज को देखें तो इनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। सो हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे कंपनी ने पैसे कमाए 131 करोड़, 2300 करोड़ की मार्केट कैप है, छोटी इक्विटी कैपिटल है 6 करोड़ की, एंड कुछ एफआईआईज और डीआईआईज भी निवेशित है और गवर्नमेंट की भी एक छोटी सी स्टेक है। सो ओवरऑल आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और आराम से ये 930 का टारगेट दिखा सकता है।